विश्व कप के पहले ही मैच में पहला गेंदबाजी हीरो उभरता दिख रहा है। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटककर न सिर्फ अपनी उपयोगिता साबित की है बल्कि टूर्नामेंट के श्रेष्ठ गेंदबाज के तौर पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। आर्चर ने 3 विकेट लिए और हाशिम मामला को अपने बाउंसर में ऐसा फंसाया कि उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। खास बात यह है कि इस तेज गेंदबाज को न सिर्फ विकेट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बारबाडोस में जन्मे आर्चर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी नियमों में बदलाव किया। यह बदलाव नहीं होता तो आर्चर अगले वर्ल्ड कप तक ही टीम में शामिल हो पाते। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नियमों के मुताबिक किसी खिलाड़ी को उनकी टीम में शामिल होने के लिए 7 साल तक इंग्लैंड में रहना जरूरी है। हालांकि आर्चर के पिता ब्रिटिश हैं लेकिन उनकी माँ वेस्ट इंडीज से है। आर्चर का जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ और बचपन भी वहीं बीता। नतीजा यह हुआ कि आर्चर 2 देशों के क्रिकेट बोर्ड के नियमों में फंस गए थे लेकिन अब जाकर उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिक्का जमाने का सपना पूरा हुआ है। विश्व कप के पहले मैच में इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाकर बल्लेबाजी की गहराई तो दिखा दी लेकिन गेंदबाजी की धार आर्चर ने ही दिखाई। अगर इस बार इंग्लैंड विश्व कप जीतने का अपना वर्षों पुराना सपना पूरा करता है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जोफ्रा आर्चर की हो सकती है। कम शब्दों में कहें तो इंग्लैंड और शायद विश्व क्रिकेट को भी गेंदबाजी का अपना नया सितारा मिल चुका है।